हेलो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इन प्रयासों से 9वें महीने में बच्चे दाने का मुंह अपने आप खुल जाएगा और बिना किसी समस्या के आप अपने शिशु को पैदा कर पाएंगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कैसे बढ़ेंगे, बच्चे दाने का मुंह कैसे खुलेगा, क्या खाने से खुलेगा, आपको क्या करने हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। क्योंकि 9वें महीने में कदम रखने का मतलब होता है कि अब आपकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है और जल्द ही आपकी गोद में नन्हा शिशु होगा। कई बार कुछ महिलाओं को कुछ ड्यू डेट आगे पीछे हो जाता है दोस्तों, डिलीवरी में लेट हो जाती है, उनको चिंता लगने लगता है, उनको लेबर पेन शुरू नहीं होता है। कहते हैं कि जब बच्चे दाने का मुंह खुलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब बच्चा बाहर आने वाला है, पर बच्चे दाने का मुंह ही नहीं खुले तो चिंता तो होना स्वाभाविक होता है दोस्तों। हालांकि कई बार लेबर पेन शुरू होने के बाद भी अस्पताल में भर्ती होने पर भी बच्चे दाने का मुंह नहीं खुलता है, जिसकी वजह से लेबर का दर्द ज़्यादा देर तक सहना पड़ता है। ऐसे में महिलाएँ क्या करें। अंतिम महीनों में जब आपका शिशु जन्म लेने वाला है, ड्यू डेट आ गया, तो इस समय आपको कुछ चीज़ों को खाना पीना जरूरी है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। हल्दी में दर्द निवारक गुण होते हैं और 9वें महीने में आपके दर्द को कम करने का काम करेगा। 8वां महीना खत्म होते ही 9वां महीना शुरू होने पर पेट में कॉन्स्ट्रैक्शन उठना शुरू हो जाती है। इस समय आपको अचानक से पेट, घुटनों, कमर जैसे और भी शरीर के कई हिस्सों में दर्द होने की समस्या हो जाती है। एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। रोज रात को सोने से पहले दूध पिएं और 9वां महीना शुरू होते ही आपको ऐसा करना शुरू कर देना चाहिए। आप खुद देखेंगी अंतिम महीनों में कोई दिक्कत नहीं होगा, गर्भाशय का मुंह भी खुलेगा और आपका शिशु नॉर्मल डिलीवरी लेगा। इसके बाद अदरक और लहसुन, ये दोनों ही बहुत फायदेमंद होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। 9वां महीना लगते ही अदरक और लहसुन का सेवन शुरू कर देने चाहिए। आप अदरक की चाय पी सकती हैं या पानी में अदरक को उबाल कर उसका पानी पी सकती हैं। रोज सुबह खाली पेट लहसुन को 2 कली खा लें, ये नुस्खा बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही बच्चे दाने का मुंह भी समय पर खुलने में मदद करता है, तो आपको ध्यान रखना है। अजवाइन की तासीर गर्म होती है दोस्तों और डिलीवरी के लिए शरीर को ताकत और मजबूती देती है। डिलीवरी के बाद भी अजवाइन के लड्डू खाना फायदेमंद होता है। अजवाइन के लड्डू डिलीवरी के दर्द रहने की भी ताकत देता है और प्रसव के बाद भी शरीर में आई कमजोरी को दूर करते हैं, तो आपको अजवाइन के लड्डू 9वें महीने के अंतिम दिनों में जरूर खाने चाहिए ताकि आपके शिशु का जन्म नॉर्मल हो और बच्चेदानी का मुंह समय पे खुल जाए ताकि डिलीवरी हो सके। गुनगुना पानी बहुत जरूरी है दोस्तों। जब डिलीवरी का समय नज़दीक आए तो मांसपेशियों में तनाव पैदा शुरू होने लगता है। गुनगुना पानी इस प्रॉब्लम को दूर करता है और मांसपेशियों में आ रहे खिंचाव से राहत दिलाता है। प्रेगनेंसी में ठंडी चीजें खाने और पीने से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस फिर नहीं होगा जब आप ठंडा पानी पियेंगी। तो अंतिम महीनों में जब आपके शिशु का जन्म होने वाला है, जब ड्यू डेट आ गया है, तो आपको इस समय गुनगुने पानी के अलावा आपको कोई भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करने चाहिए, भूल कर भी नहीं दोस्तों। खजूर मैं बताती हूँ आपको खाना है 7वें, 8वें, 9वें महीने में, पर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, अंतिम समय आ गया, तो ऐसे में आपको खजूर का सेवन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर अभी तक आपने खाना शुरू नहीं किया है तो। इसके लिए एक गिलास दूध गर्म होने के लिए रख दें और उसमें 3 से 4 खजूर डाल दें। दूध को अच्छी तरह से उबलने दें और फिर छान कर पी लें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। बच्चेदानी का मुँह खुलने के लिए ये एक बेहतरीन चीज होता है दूध और खजूर का सेवन। तो मैं आशा करती हूँ आप जरूर इसका इस्तेमाल करेंगी और मैं भी चाहती हूँ कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, मैं भी चाहती हूँ आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, तो इन चीजों को जरूर खाएं पिएं अंतिम महीनों में जब ड्यू डेट आपके आसपास है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।